ये भी अब मतलब अभी क्रेजी एक्स वाई जेड के अमित भाई साहब के फैन थे, अभी इस टाइम में सौरभ जोशी के फैन है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के बज रहे हैं 8, लेकिन आज मॉर्निंग ऐसा हुआ है कि पता नहीं चल रहा है कि 8 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 6 ही बज रहे हैं। बिकॉज मौसम इतना ख़राब हो गया है, जैसे बरसात का मौसम आ गया है, पता है, पूरा बादल। और अभी तो यहाँ पे झीली भी पड़ने लगी, बूंदे भी पड़ रही हैं। एक्चुअली आज का एडिटिंग मैं मॉर्निंग में ही किया हूँ और मॉर्निंग में ही अपलोड किया हूँ। 8 बजे मेरा ब्लॉग ओपन हो जाएगा, सो आप लोग ब्लॉग पे जाके, मेरे चैनल पे जाके आप लोग मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। देखते हैं रात में क्या हुआ था, कि रात में आज लाइट नहीं थी, लाइट चली जाने की वजह से समझ लीजिए कि नींद एकदम पूरी की पूरी नींद ख़राब हो गई। अभी अश्विन सो ही रहे हैं मुझे लगता है, देखता हूँ रूम में जाके। अरे अब तो मुझे स्कूल जाना था। अरे उठ के अश्विन, स्कूल जाना है बेटा। मौसम मौसम चलिए बाहर देखिए, और बहुत बारिश होने वाला है, काले काले बादल। मौसम चलिए देखिए बाहर में कैसा हो रखा है, लगता है इनका। मैं ले लिया कन्हैया क्योंकि अश्विन उठ चुके थे, लेकिन मुझे लगता है कि अश्विन का स्वेटर फिर से निकालना पड़ेगा। देखिए मौसम कैसा है ना, देख लिया मौसम, ठंडा लग रहा है कि नहीं ठंडा लग रहा है बताइए, ठंड लग रहा है ना, देख लीजिए मौसम, ये मौसम, ओ मौसम मौसम। बाबू को ठंडक लग रही है, बाबू कपड़ा पहन लिए, स्वेटर पहन लिए, है ना। तो गाइस चलते हैं कुछ नाश्ता करते हैं, नाश्ते में क्या होगा देखना पड़ेगा। इनको ठंडक लग रही है तो मतलब इतना क्या क्या पहनेंगे आप? अरे बेटा क्या क्या पहनेंगे बेटू? जींस धुल दिया मैंने, गर्मी 8:30 हो रहा है, क्योंकि मुझे साइकिल पे छाता अटैच करना है। इनको छाता अटैच करवाना है साइकिल पे, बताइए साइकिल पे कभी छाता अटैच होता है? साइकिल पे छाता स्टंट करना है, स्टैंड नहीं करना है, अटैच करना है। अटैच मतलब जब लगा देंगे तो उसमें हम बैठेंगे आराम से, उसके नीचे छतरी का काम करेगा, वो उड़ जाता है गाइस, है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर बहुत टाइट बांधिएगा ना, तो टाइट हम हैंडल में उसका डंडा डालेंगे ना, डंडा बांधेंगे तो उसकी छतरी छतरी ऐसे उड़ जाएगी, शुम चलेगा किधर गए। ठीक है तो मैं कर लेता हूँ सुबह का नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ आरके। आरके आप आरके नहीं है, ठीक है, आप अपना नाम अश्विन बताइए, सब आरके नाम जानेंगे। तो गाइस रेडी हो गए हैं खाना पीना खाने के बाद में, और अभी निकल रहे हैं तहसील के लिए, क्योंकि कल कुछ काम हुआ नहीं था, तो आज मम्मी को फिर लेके जा रहे हैं, पापा को नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है निकलते हैं फिर। तो गाइस आ गया मैं तो फिलहाल तहसील से, मम्मी को भी लेके आ गया, काम आज हो गया फिनिश। अंदर से बंद है क्या? ये देखिए सो रही है मोहतरमा, क्या बात है। अश्विन के लिए हम लाए थे क्या? लड्डू, लड्डू, लड्डू लाए थे अश्विन के लिए, लड्डू लाए थे, अश्विन का फेवरेट है लड्डू। तो मैं हो गया हूँ रेडी, और मैं तो रेडी ही था फिलहाल, और अश्विन भी रेडी हो गए हैं। अश्विन को चाहिए क्ले, ठीक है, दो गड्डी। वाह कितना पैसा इतना ढेर सारा पैसा, देख रहे हैं बापा रे बाबा, क्या करोगे इस पैसे का बाबू? Cause I don't give a fuck what you say,
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet mentally. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. मैं तो आ गया अभी, और आज तो वहाँ पे डॉक्टरी में कौन कौन मिल गया, मामी मिल गई, मौसी मिल गई, और यहाँ पे मम्मी पीलो सिल रही हैं, फटी हुई पीलो थी, पुरानी पुरानी सिल के तैयार कर रही हैं। अश्विन का गेमिंग बॉक्स आ गया, ये देखिए गेमिंग बॉक्स ओपन करने जा रहा है अश्विन। पहले पानी तो पी लूं। ओ, पहले पानी तो पी लूं। ठीक है, तो मैं भी जो है फ्रेश होता हूँ, थोड़ा सा हाथ में धुलता हूँ और नाश्ता कुछ करता हूँ, क्योंकि भूख लगी है मुझे। तो गाइस अभी गए थे खेत में और ढेर सारा बैगन लेके आ गए, इतना मतलब 4 से 5 पेड़ होगा ना मम्मी, 4 से 5 पेड़ बैगन है, 6-7 पेड़ होगा, 6 पेड़ होगा, और बैगन इतना निकला है, इतना ढेर सारा बैगन निकला हुआ है। मतलब अब इसको किसको दें, फ्री का देंगे तो कोई उतना ज़्यादा अहमियत भी नहीं लेता है। अभी देखेंगे गांव में जिनके जिनके यहाँ पे सब्जी नहीं है उनके यहाँ सब्जी दिला देंगे। अश्विन अश्विन क्या काम कर रहे हैं, अश्विन का अश्विन जो है सिंचाई का काम कर रहे हैं, इसमें पानी लगा हुआ था तो भी जो है पानी लगा रहे हैं। यहीं पे बैगन था, यहाँ पे जो बैगन है ना, अभी बैगन का फल खूब लगा हुआ है, इसमें पूरा बैगन ही बैगन लगा हुआ है, अभी देख रहे हैं बैगन इसी में से तोड़ के ले गए हैं बैगन। चलते हैं थोड़ा कुछ और बोएंगे। ये मेरा मछली तालाब, मछली मेरी बढ़ नहीं रही है क्योंकि मैं ज़्यादा चारा नहीं देता हूँ, सिर्फ रोटी देता हूँ मछलियों को, बस हो गया। यहाँ पे भी लगाना है मुझे पानी, जा रहे हैं लगाने पानी। और ये देखिए यहाँ पे जो अरहर है मेरे खेत में, ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा फल दिया हुआ है, इसको तोड़ना पड़ता है, मतलब इसे इस पेड़ को काटेंगे नहीं हम लोग। और ये अभी हरी ही है, तो ये सब सारे जो है ना, मतलब इसके फलों को ऐसे एक एक करके तोड़ लिया जाएगा, ठीक है, तोड़ के और उसको सुखवा के और इसको पीट के, अभी पकी नहीं है। तो गाइस रात के बज रहे हैं 8:40, ठीक है, और अभी रूम में क्या हो रहा है, रूम में क्या हो रहा है, मतलब मेरे रूम को अगर आप लोग देख लोगे ना, चक्कर आएगा, तो रूम कम चक्कर वाला ज़्यादा दिखता है, उतना ही अश्विन का खिलौना और उतने ही सारे कपड़े, मतलब ये कि कोई कह सकता है ये बेड है, कह सकते हैं, बट क्या करेंगे, मजबूरी है, जब सोना रहता है तो हटा हटा के, मतलब ये देख रहे हैं ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, ये तकिया इधर है, मतलब कुछ भी कहीं भी सेट। यार क्या करूं मैं, मुझे मैं तो सोचता हूं ना कि सौरभ भाई की तरह मैं भी बाहर जाके सोऊं आराम से, जैसे उन्होंने एक बेड लगा लिया है अपना अलग से ना, मस्त बिंदास, और वहीं पे एडिटिंग करते हैं, वहीं पे आराम से। और वाकई में उनका एक बात मुझे मस्त लगा, अरे इनका आयरन मैन देख लो यार, जैसे वो कहते हैं ना भाई साहब कि मतलब इतना मस्त बोलते हैं चुपचाप बाहर में आ जा। ओ सौरभ जोशी, ये भी अब मतलब अभी क्रेजी एक्स वाई जेड के अमित भाई साहब के फैन थे,
अभी इस टाइम में सौरभ जोशी के फैन है। नहीं। हाँ, किसके फैन है आप? अमित भाई साहब के। अमित भाई साहब के फैन है। तो गाइस आई होप कि आज का ब्लॉग में आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल मिलते हैं आपको उससे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।